किसे कहते हैं? मोटा नहीं है अभी, मैं मोटा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद मोटा हूँ, तो मैं जमीर को मोटा नहीं कहूंगा। जमीर से मेरा वादा था, लेकिन जमीर को सरप्राइज देंगे, उसका इंटरव्यू मैं कल शामिल कर दूंगा। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ कितना साफ सुथरा माहौल है। आप यहाँ इधर उधर कैमरा कीजिए, ये देखिए कश्मीर की खूबसूरत वादी में आप जैसे बैठ के खा रहे हो, लेकिन ये तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलियन टाइप का मंदिर है। टेबल देखिए, मार्बल के टेबल है, साफ सुथरे, और यहाँ लोग बैठे हुए। सर आप इनके वर्कर्स हैं, खाना खाने वर्कर है, कब से? प्याला भी खाली है, मैं सारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चट कर दी। इतना ज़्यादा आपने चाट चूट के खा के मज़े कर था? बहुत मज़े का था, बहुत लजीज खाना था यहाँ का। और मैं व्यूवर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ और इनका खाना, अफ्तारी सहरी दोनों इनका जो है, बिहारी पाए चने, सब आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपने फ्राई चने पाए वगैरह सब ट्राई किए हैं? आपने बारी बारी करके सब किए? आप किसी से लगता भी है कि आपने सब ट्राई किए हैं ना? कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के हवाले से, नफीस फूड के हवाले से? यही कि यहाँ का खाना बहुत लजीज है, मजेदार। महंगा तो नहीं है ज्यादा? नहीं, मुनासिब रेट है। थैंक यू सो मच अली रजा, लव यू, लव यू। जी यहाँ जनाब बेहतरीन नेशनल का अचार आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, और ये जो आप टोकन देख रहे हैं, अपनी तंदूर पे जाके यहाँ से रोटियाँ लेते हैं, और जनाब योगर्ट की मज़े की चटनी, ये है सैलेड, अदरक मार के जिसको कहते हैं ये वो है, और जनाब ये है निहारी, निहार वो खाएं रात को खाएं, ये है नफीस फूड की मज़ेदार उबलती हुई गर्मा गर्म निहारी, और निहारी के अंदर जाने वाले ये देखें मगज और रोटियाँ, मज़े मज़े की। आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, पानी मत लाइए, नफीस फूड पे आइए। और जनाब ये देखें ये फ्राइड चने जो पिंडी की पहचान है, कहते हैं पिंडी दे छोले पंजाब दे छोले, तो जनाब पंजाब दे छोले नफीस फूड पे फ्राई ये चने हैं जो यहाँ पाए जाते हैं नफीस फूड पर। आप ये देखें ये मज़े की नली हड्डियाँ और वो जो पाए की सारी चीज़ों थे वो पड़ी हैं, और जनाब ये हैं लाहौरी चने जो कि अपनी मिसाल आप और मज़ेदार हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ कुछ लोगों से भी इंटरव्यूज करेंगे जो यहाँ रोज़ नाश्ता करने आते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनका स्टाफ हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद। जी तो जनाब ये आ गया इनका ऑर्डर, गर्मा गर्म नान रोटियाँ और ये चने लाहौरी और पाए भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम। सलीम साहब आपकी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं और आपका टेस्ट भी बहुत खूबसूरत है, नफीस फूड पे आए हैं, आप यहाँ क्यों आते हैं? इनका जायका माशाल्लाह, और रेट भी मुनासिब है ना, तो आप अपने दोस्तों को भी साथ लाते हैं ना। सर आपका नाम? मुश्ताक। हम आपसे मिलने के लिए मुश्ताक, मुश्ताक साहब ने भी ऑर्डर किया है, आप नफीस फूड पे क्यों आते हैं? अच्छा नफीस यानी कि नफीस का टेस्ट अच्छा है या नफीस के खानों का? अच्छा नफीस तो वाकई बहुत टेस्टी। सर अस्सलाम वालेकुम, वो खाने में इतने मगन हैं, उनको ध्यान ही नहीं कि पूरी दुनिया इनको लाइव देख रही है। सर आपका नाम? जिया। जिया साहब कैसा लगा आपको ये नफीस फूड? बहुत अच्छा। अच्छा बहुत शुक्रिया, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपका, थैंक यू सो मच, आप इंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, और नफीस फूड का एक शहजादा ये भी हमारे पास है।
लाफ्टर क्रिएट करा था। ना ना अभी नहीं जाना। तो जनाब अभी हम इस वक्त आए, वो देखिए सामने वॉल देख रहे हैं जिसपे चिड़िया तोते बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। और हम उस वक्त आए हैं कि जब रश नहीं है, ये अभी सीटें खाली है। विद इन सेकेंड में यहाँ चुटकी बजाऊंगा और यहाँ लोगों का रश देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 आप कब से आ रहे हैं? इनकी हर चीज से मुराद इनकी हर जो जो चीज बनती है पाए, अच्छा बनती है जो, अच्छा मैं कुछ और समझा। वैसे आम दिनों में तो इनके बनता है कीमा, इनका बनता है कीमा जो देखे इनके हाँ बनता है इनके रेस्टोरेंट। हाँ ये सही है। तो आप कब से यहाँ इनके फूड को यूज कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत अच्छे से जब आप छोटे से थे उस वक्त से। बिल्कुल आप नफीस फूड खा के जवाब जवान हो गए ना। आम दिनों में तो वैसे इनके कीमा और आलू बहुत सेम है। तो आज तो लगता है कोई गेस्ट लिस्ट आए हैं, आज तो अच्छी खासे ऑर्डर्स लेके आए हैं आप, है ना? हाँ हमारी तरफ गेस्ट आए थे तो हमने कहा कि गेस्ट जब आते हैं तो फिर आपको अपने एरिया की फेमस चीज़ों के आगे रखती है। अच्छा नाजरीन आपको बताता चलूँ कि जब गेस्ट आते हैं अल्लाह की रहमत आती है तो लोग फेमस चीज़ के हवाले से नफीस फूड में आते हैं। और हमारे एरिया साकाबाद की फेमस देखा जाए तो बहुत पुरानी शॉप भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा देख रहे हैं। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा जब भी आपका साकाबाद में चेक करेंगे तो नफीस फूड में पूरी नफीस फूड में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट चने सारी आइटम है। साल में पाए जो जो लोग नाश्ते को लाइक करते हैं वो लोग यहाँ से कुछ तो जी जनाब हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत मुस्तकबिल के डॉक्टर जी तैयब है हमारे साथ। तैयब आज आपकी बेहतरीन सेहत का राज हमें पता चला नफीस फूड पे। आप आते क्या खाने आए लेने आए? यहाँ से खरीदते हैं आप इतने मजे मजे के पाए। तो आपको नफीस फूड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इनका जायका बहुत अच्छा है और अगर कहीं और जगह से लेके जाओ तो घर वालों को पसंद नहीं आते, उनको पता चल जाता है भाई उधर से नहीं आए। अच्छा जायके से ही उन्हें पता चल जाता है? जायके से पता चल जाता है। एक्चुअली ना ये हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करते हैं सब कुछ शायद इसलिए। तो आप कब से यहाँ से लेके जा रहे हैं पाए? आप भी तकरीबन 5-6 साल। 5-6 साल से माशाल्लाह। पहले इनकी वो सामने शॉप थी उधर से अब ये इधर शिफ्ट हो गए। वहाँ अब तो दूर है इनका, है ना? चले आप मुझे बताएं कि इनकी सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, निहारी फ्राई पाए या पाए? ये पाए चने, फ्राई चने या जो लाहौरी होते हैं। चले थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लव यू सो मच। आप मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जी नफीस फूड पे एक और शहजादे हैं, आपका नाम सर? हसन अली। हसन अली, हसन अली आप नफीस फूड के पाए पसंद करते हैं चने या निहारी? निहारी मजे की होती है, रोज खाते हैं। ठीक है, ये खुद ठीक लोग हैं ना इसलिए इनका टेस्ट भी ठीक होता है। तो कब से खा रहे हैं आप इनकी निहारी? पहले रमजान में बनाया। अच्छा इस साल फर्स्ट टाइम आपने शहरी की इनके साथ? और इन्हें बेहतरीन डेली करते हैं तो डेली निहारी खाते हैं, टेस्ट चेंज करते हैं कभी इनके ला रही नहीं ले आ रही या निहारी। थैंक यू सो मच एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो जनाब हमारे इलाके की बड़ी मरूफ शख्सियत मेरे छोटे भाई हैं, बड़े लाडले भाई हैं, और नफीस फूड के बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी बहुत प्यारा टेस्ट है इनका, बहुत प्यार है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है, मुकामी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। क्या बात है, मेरा बड़ा फैलो भी है। आपको इनके पाए अच्छे लगते हैं निहारी या चने? इनके पाए अच्छे लगते हैं। इनके पाए या इनके पके हुए पाए? पके हुए। अच्छा मेरा क्लास वाला। अच्छा जमीर क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम सर द स्मार्ट गाय, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। आपको लगता है कि भी मैच खेल के आ रहे हैं सीधे को? सर आप नफीस फूड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इनका टेस्ट चेक करें या इनके नफीस फूड का? इनके जो भी खाने का टेस्ट। आपका गुड नेम क्या है सर? अजहर साहब माशाल्लाह एक स्पोर्ट्स मैन है, आप देख रहे हैं इन्होंने। आप वैसे किस टीम को सपोर्ट करते हैं? जबरदस्त जबरदस्त। नफीस फूड के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? सब भाइयों को ये पैगाम है कि आप आए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं वो बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कब से नफीस फूड पे आ रहे हैं? तीन चार। आप पठान है? देख लें हमारी कौम की शान पठान और हमारे मुल्क की जो ना क्या कहना चाहिए एटमी ताकत भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। और ये आप देख रहे हैं जमीर साहब मुस्कुराते हुए 200 के चने इनके साथ एक शहजादा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कब से नफीस फूड से मुंसलिक हैं? सात आठ साल से। सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? वैसे ज्यादा मैं चने खाता हूं। वैसे तो मगज खाते हैं आप बहुत ज्यादा। तो आपका साथ साथ ही हमारे साथ ही हैं। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इमरान हुसैन। शेख है तो फिर खर्चा करने कैसे आ जाते हैं आप? क्या बात है सर, थैंक यू। नफीस फूड के बारे में कोई ऐसा जुमला कहें आपको मजेदार? हमारे मीर भैया जी बहुत प्यारे और बहुत जबरदस्त है। हमारे बनाते हैं जनाब। नहीं इनके अबू बनाते हैं? नहीं अब ये खुद बनाते हैं, पहले इनके अबू बनाते थे। इस वक्त आप बना रहे हैं हमें? नहीं
हमने शाम को भी लिया था, यहाँ कुछ लोग बैठे खा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन नफीस फूड की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? निहारी। देखिए चट कर गए निहारी, इतने मजे की थी। और आपको क्या अच्छा लगता? चने। चने आपको भी निहारी, इन्हें चने टेस्टी भी होते हैं और रेट भी ज्यादा नहीं, माहौल भी कितना साफ सुथरा है ना। ये देखिए कितने अच्छे एनवायरमेंट में बैठे हैं, चिड़िया तोते आपको यहाँ देख रहे हैं और आप खा रहे हैं। कितने अच्छे से खा रहे हैं आप? फीस फूड काफी टाइम हो गया। और सर आप? हाँ मैं जानता हूँ आपको माशाल्लाह। किस चीज की शॉप है, नाजरीन को बताए ना। कपड़े की दुकान है। हाँ ये एवरग्रीन टेलर वाले, मैंने कई बार इनसे सिलवाए भी हैं कपड़े और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी इनकी शॉप है। और ये टेस्ट लेने आए हैं नफीस फूड का।